महाराज की स्मृति में लगने वाला एक ऐतिहासिक मेला, जो 800 साल पुराना मेला है, अंग्रेज शासन काल से लगातार लगता रहा है। सहारनपुर में आज उसकी शुरुआत की गई। सहारनपुर के मेयर डॉक्टर अजय सिंह, राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी, पूर्व सांसद राघव लगनपाल शर्मा, नगर विधायक राजीव गुंबर, समस्त पार्षदगण यहाँ पर पहुंचे और रिबन काट कर यहाँ पर मेले का शुभारंभ किया गया। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर मेले की जो रौनक है वो देखते हुए बन रही है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं और मन्नतें मांगते हैं। और मेला गुगाल में जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े झूले, खाने पीने के सामान और साथ ही साथ बाजार पूरी तरह से ये सज चुका है और लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मेला गुगाल के इंतजाम और सुरक्षा को लेकर क्या बोले प्रशासनिक अधिकारी, देखिए। सर्वप्रथम तो इस मेले के आयोजक अपने नगर निगम के समस्त अधिकारियों को, आदरणीय जिलाधिकारी जी को, अपने मेयर साहब को, नगर आयुक्त जी को और जनपद के सभी प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि जहारवीर गोड़ा जी महाराज के इस मेले में मुझे भी आने का अवसर दिया और ये हम सबके लिए बड़े प्रसन्नता का विषय है कि हम एक ऐसा आयोजन कर रहे हैं जिससे संस्कृति के साथ साथ आम जनमानस को सीखने का मौका मिलता है। इस मेला का आयोजन पहले से भव्य हुआ है, उसके लिए पूरे प्रशासनिक अधिकारियों मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं भी देता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं कि भविष्य में और इससे बेहतर हो और इस बार जो इन्होंने ये आयोजन बेहतर किया है उसके लिए बधाई देता हूं। अध्यक्ष जी, इस प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है सरकार की, उसी के अनुरूप मेले में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम वो भी रखे हुए हैं, जैसे मेरी माटी मेरा देश है और भी कार्यक्रम है, किस तरीके से सहारनपुर वासियों से अपील करेंगे उन कार्यक्रम में शामिल होने की और क्या संदेश देना चाहेंगे? हम जिस देश में रहते हैं उस देश में भारत माता का पूजन होता है। मेरी माटी मेरा देश एक देश के वीरों के प्रति समर्पण एक कार्यक्रम है और हम इस देश के ऐसे नागरिक हैं कि अपने दिन की शुरुआत धरती माँ को नमन करके करते हैं। इस मेले में भी इस तरह की झलक आपको देखने को मिलती है। क्या संदेश देना चाहेंगे सहारनपुर वासियों को? मैं तो एक ही संदेश दूंगा कि इस मेले के माध्यम से हम सब प्रभु का नाम लेते हैं, जहारवीर बाबा जी से प्रार्थना करते हैं हम सबका कल्याण करें, इस देश में हर व्यक्ति खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे, यही प्रभु से काम करें। सबसे पहले इस ऐतिहासिक सांस्कृतिक और सामाजिक सौहार्द के प्रति गुहाल मेला का आयोजन करने के लिए आज हमारे पूरे क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मान सिसोदिया जी, सत्येंद्र सिसोदिया जी, माननीय मंत्री जी, सैनी साहब और इस मेले को भव्यता प्रदान करने के लिए जिस प्रकार से आदरणीय महापौर डॉक्टर अजय सिंह जी ने और उनकी पूरी टीम ने लगातार परिश्रम करके इसकी भव्यता को बढ़ाने का प्रयास किया है, यह एक ऐतिहासिक मेला है और जहाँ भी उनका अपना सौम्य पराक्रम का स्थान के साथ साथ उनकी मान्यता इस क्षेत्र में पूरा गांव गांव के हर गांव से लोग आकर उनको पूछते हैं। मुझे भी परिवार के साथ पूछने का अवसर मिला। इस मेले के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये परंपरागत रूप से सांस्कृतिक सौहार्द के प्रतीक के रूप में, सामाजिक सौहार्द के प्रतीक के रूप में ये मेला हमेशा आयोजित किया जाता रहा है, इस बार इसमें और भव्यता आएगी और हमारे माननीय सभी विधायकगण, हमारे क्षेत्र के डॉक्टर साहब, इन साहब
सभी लोगों का, और विशेष रूप से ये मेला किसी एक मजहब का नहीं, एक सामाजिक सौहार्द को बढ़ाने के लिए गंगा जमुना तहजीब को भी आगे बढ़ाता है, इसलिए इस मेले की भव्यता और भी अपने महत्वपूर्ण है। सर पहली बार देखा जा रहा है प्लास्टिक बैन किया गया, इस बार जो प्लास्टिक के कैरी बैग है उनको, हम लोग सदैव प्रयास किए हैं, कावड़ मेले को भी प्रतिबंधित प्लास्टिक के माध्यम से रोका है, और मैं इसके लिए जनता का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने प्रतिबंध को स्वीकार किया है, और जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण ना हो, यही इस मेले की भव्यता का एक आकर्षण है। धन्यवाद। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और समरसता के प्रति जो ये मेला है पुरातन काल से चला आ रहा है, आज मैं पहले तो नगर निगम की ओर से माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी चौधरिया जी का, माननीय मंत्री जसवंत सारी जी का, अपने प्रदेश के प्रभारी मंत्री चंद्रमोहन जी का, जिला पंचायत चेयरमैन मांगेराम जी का, डीएम साहब का, पूरे प्रशासनिक व्यवस्था, अपने सभी विधायकों पूर्व विधायकों का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आज आकर उन्होंने इसको शुभारंभ करने में और हमें शुभकामना दी। सर दूर के वर्षों में जो मेला वो भव्य यहाँ पर लगता था वहाँ पर कीचड़ रहता था और अन्य चीजें थी, इस बार वो व्यवस्था सही है, प्रथम बार आप मेयर बने हैं सहारनपुर के, कैसे देखते हैं लोगों के लिए क्या सुविधा की? आपने देखा है इस बार पूरा जो मेले का क्षेत्र है उसमें पक्की सड़कें बनी है, टाइलिंग हुई है, और उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन जो था वो अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, और कुछ थोड़ी बहुत कमियां रह गई थी जिसको आगे हम इम्प्रूव करेंगे। दूसरा प्लास्टिक मुक्त मेला करने का प्रयास है। तीसरा जो अभी आप सवाल उठा रहे थे, मेले में दो तरह की चीजें हैं, मेले में लोगों का आना और वहाँ पर स्वदेशी के भी आप देखे होंगे, स्वदेशी को भी आगे ले जाने का लोकल फॉर लोकल की जो धारणा माने प्रधानमंत्री की, उस पर भी कार्य कर रहे हैं। जहाँ तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात है, हम लोग ने इस बार प्रयास किया है कुछ हट के कार्यक्रम करें, जिसमें जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी जिक्र हुआ, हम मेरा माटी मेरा देश भी करने जा रहे हैं, हम नृत्य भी रामायण भी करने जा रहे हैं, हम राष्ट्रीय भी करने जा रहे हैं, और दूसरी ओर हम विरासत को लेकर स्टिक पैके के साथ मिलकर एक संगीत का कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें सितार वादक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और तबला वादक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आएंगे। दूसरी तरफ हम लोग ने कवि सम्मेलन भी किया है, एक शाम शहीदों के नाम भी किया है। प्रयास है कि जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की एक धरोहर के रूप में मेला है वह उस दिशा में और आगे बढ़े, उस पर भी सफल कार्यक्रम। सहारनपुर और सहारनपुर में लगने वाले ऐतिहासिक मेले से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सिटी वाप को।